Assalamu alaikum, welcome you all in today's class. Today we to start new lesson, ja and the name of the lesson is The Spider and the Fly. Before we start, let all the students are requested to pause the video for a while, get your textbooks, and you have to open page number 35. Now you can resume your video. Before we start, let me read out this lesson for you The Spider and the Fly spidey, the spider, has laid out a beautiful web, and is eagerly waiting for philip, the fly, to enter his webby parlor. philip is hovering around, undecided if she should enter or not. "spidey, will you walk into my parlor? it is the prettiest little parlor that ever you you did spy. the way into my parlor is up a winding stair, and i have many curious things to show when you get there. philip, oh, no, no! to ask me is in vain. For he who goes up your winding stair can never come down again. Spidey, I'm sure you must be weary, dear, with soaring up so high. Rest your weary little head upon my silken bed and close your weary little eyes. There are pretty curtains thrown around, the sheets are fine and thin. Come, dear, come now, do rest a while and I will snugly tuck you in. Before we will start, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी tell यू द main कैरेक्टर्स ऑफ दिस लेसन फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ दिस लेसन द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज द स्पाइडर एंड द फ्लाई स्पाइडर एंड अ फ्लाई एक मकड़ी और एक मक्खी ये इन दो के बारे में ये कहानी है स्पाइडर जिसे हम मकड़ी कहते हैं और फ्लाई जिसे हम मक्खी कहते हैं अब हम बात कर रहे हैं इस कहानी के कैरेक्टर्स की यानी इस कहानी में कौन कौन है जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं एक है स्पाइडी जो एक्चुअल ये इसका नाम है और है कौन ये स्पाइडर जिसे हम मकड़ी कहते हैं एक है फिलिप जो एक फ्लाई है यानी मक्खी है और नैरेटर है नैरेटर में जो हमें ये कहानी बता देता इन दो के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रही है क्या बातचीत हो रही है वही हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं स्पाइडी द स्पाइडर हैज लीड आउट ए ब्यूटीफुल वेब एंड इज ईगरली वेटिंग फॉर फिल्म स्पाइडी जो स्पाइडी जो एक स्पाइडर था हैज लीड आउट ए लीड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज ले पासफार्म उसकी है लेड लेट का मतलब है रखी हुई बुनी हुई एंड स्पाइडी जो स्पाइडर था उसने बनाई हुई है ए ब्यूटीफुल वेब एक खूबसूरत जाल वेब हम कहते हैं जाल को वेब हम कहते हैं जाल को जो आपने देखा होगा जो मकड़ी का जाल होता है। हैज लेड आउट ए ब्यूटिफुल वेब एंड इज एगरली वेटिंग फॉर फिलिप और वो बेसब्री से या हम यूं कह सकते हैं आ, शिद्दत से इंतजार कर रही है फिलिप का स्पाइडी जो स्पाइडर था उसने एक जाल ब्यूटीफुल जाल बनाया हुआ है और वो शिद्दत से इंतजार कर रही है फिलिप का फिलिप कौन होती है द फ्लाई क्यों टू तो एंटर हिज वेबी पार्लर ताकि वो उसके वेबी पार्लर में उसके जाल जो जाल बनाया है उसके पार्लर में घुस जाए। आ, पार्लर हम लिविंग रूम को कहते हैं जहां पे हम गेस्ट्स को रखते हैं जो हमारे घरों में होता है जहां पे हम गेस्ट्स को रिसीव करते हैं नॉट एक्चुअली ये स्पाइडरी ने जो जाल बनाया है इट इज ए ट्रैप फॉर फिलिप ये एक फिलिप के लिए ट्रैप है और वो आ, स्पाइडर चाहता है कि फिलिप जो है वो मेरे जाल में आ जाए फिलिप इज़ हावरिंग अराउंड फिलिप जो है वो मंडला रही है हावर मीनज मंडला रही है घूम रही है अराउंड इस जाल के बाहर वो इधर उधर घूम रही है अनडिसाइडेड फैसला नहीं कर पा रही है इफ़ शी शुड एंटर आर नॉट कि क्या मुझे इसके जाल में घुसना चाहिए या नहीं मुझे इस मकड़ी के जाल में बैठना चाहिए या नहीं अब स्पाइडी उसे मनाता है कि आपको मेरे जाल में आना होगा स्पाइडी विल यू वॉक इन टू माई पार्लर विल यू वॉक क्या आप आ जाओगी इन टू माई पार्लर यह मैं एक बात आपको बता दूं हम कभी कभी इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं कम इन टू माई पार्लर ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं जब हम उस जगह इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को ऑफर करते हैं कि आप मेरे फोल्ड में आ जाए मेरे ग्रुप में आ जाए मेरे साथ आ जाए या कहीं पे आ जाए वो एक्चुअल में उससे क्या होता है वो जाल होता है जो हम उसके लिए डालते हैं उसे पहले ऑफर करते हैं कि आप मेरे साथ आ जाए मेरे फोल्ड में आ जाए मेरे ग्रुप में आ जाए ताकि वो हमारे जाल में फंस जाए कम इन टू माई पार्लर मीनस कम इन टू माई फोल्ड विल यू वॉक इन टू माई पार्लर क्या आप मेरे इस जाल में आ जाओगे इस घर में आ जाओगे अपने इस जाल की तारीफ करता इट इज द प्रिटियस्ट प्रिटीएस्ट इज द सुपर लेटिव डिग्री ऑफ प्रिटी ये बहुत ही खूबसूरत है लिटल छोटा सा पॉलर है घर है डैट एवर यू डिडाई

वे रास्ता इन टू माइ पार्लर मेरे पार्लर में जाता is up winding stair. वो winding है नॉट स्ट्रेट जो ट्विस्टेड है ऐसे घूमती हुई है स्टेयर मीनस सीढ़ी इसकी सीढ़ी जो है वो घूमती हुई है and I have many curious things to show when you get there. And और I have many और मेरे पास बहुत सारी क्यूरियस स्ट्रेंच अनयूजल थिंग्स हैं चीज़ें हैं टू शो जो मैं आपको दिखाऊंगा when you get there जब आप वहाँ पे आओगे ये स्पाइडर स्पाइडी जिसका नाम है फिलिप को कन्विंस कर रही है मोटिवेट कर रही है मना रही है कि आप मेरे पार्लर में आ जाओ Actual में उसने उसके लिए ये जाल बुना हुआ है फिलिप उसके जवाब में दे रही है घूम रही है जिसका दिल कर रहा है कि मैं अंदर जाऊं लेकिन वो अनडिसाइडेड है कि क्या उसे आना चाहिए या नहीं फिलिप उसके जवाब में कह रहे oh no, no, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता तो आ में इज वैन मुझे पूछना मुझसे कह देना कि आप मेरे घर में आ जाओ इज वैन ये बेकार है ये विदाउट सक्सेस है इसमें आप कामयाब नहीं होगी फॉर ही हु कोई एक भी जो आपके winding stair में, उस में जो winding twisted बनाई हुई है कैन नेवर कम डाउन अगेन वो दोबारा वहां से नहीं उतर सकता है आ सकता है यानी आपने एक ऐसा जाल बनाया हुआ है जो एक बार इस जाल में चला गया फिर वो वहां से वापस नहीं आता है स्पाइडी उसके जवाब में उससे कहता है आई एम श्योर यू मस्ट बी वियर आई एम श्योर मुझे यकीन है यू मस्ट बी वियर वियरी वियरी मीन्स थकी हुई वियरी मीन्स टायर्ड जो थका हुआ हो आई एम श्योर मुझे यकीन है यू मस्ट बी वेरी आप थकी हुई हो डियर प्यारी विथ सोरिंग अप सो हाई किससे जब आप बहुत बहुत ऊपर उड़ती हो सोरिंग मीनस वेरी हाई इन द एयर फ्लाई करना जब आप बहुत ऊपर ऊपर उड़ती हो इससे आप क्या हो गई हो थकी हुई है रेस्ट योर वेरी लिटल हाई हैड अपॉन माई सिल्कन बैड आराम दो अपने उस थके हुए छोटे से सर को अपॉन माई सिल्क एंड बैड मेरे रेशमी बिस्तर पे सिल्क जो है वो रेशम होता है जो काफी डेलिकेट नरम और कोजी होता है एंड क्लोज यूआर वियर ही लिटल और अपनी इस छोटी सी थकी हुई आँख को बंद करो ताकि आपको रेस्ट करोगे आपको आराम मिलेगा जो आप थक गई हो उड़ते उड़ते जो आप हवाओं में बहुत ऊपर उड़ रही हो इससे आप थक गई हो आप मैं चाहता हूँ आप मेरे पार्लर में आके अपने इस थके हुए छोटे से सर को मेरे रेशमी बनाए बने हुए बिस्तरे पे डाल के अपनी थकी हुई आंख को बंद करके रेस्ट करोगी दे आर प्रिटी प्रटी ड्राउन अराउंड उस कमरे में उस पार्लर में मैंने इर्द गिर्द खूबसूरत प्रिटी मीनस खूबसूरत करटैनज मीनस पर्दे डाले हुए हैं द शीट्स आर फाइन एंड थिन जो शीट्स मैंने बिछाए हैं वो फाइन है खूबसूरत है एंड थिन और पतले हैं बिल्कुल डेलीकेट हैं नरम है कोजी है हैं कम डियर कम नाव आ जाओ मेरी प्यारी आओ ना अब डू रेस्ट एल थोड़ी देर वहां आराम करो आई विल स्नगली थक यू एंड मैं बड़े प्यार से स्नगली मीनस आपको अपने साथ चमट के रखूंगा थक यू एन वहां पे लिपटूंगा टक मीनस लिपटना किसी चीज को यह हमारी आज का इस लेसन का पहला पार्ट था इसका अगला पार्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे थैंक यू फॉर टूडे